देखिए जब इस तरह की पिचेस हो, इतनी बैटिंग फ्रेंडली हो, उसके ऊपर रन्स बनते हैं और दूसरी टीम के पास भी चांसेस होते हैं कि वो चेस डाउन कर सके, जो कंडीशंस हैं उनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। टाइम्स होता है कि पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में एडवांटेज या डिसएडवांटेज होता है, तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। जो पहला ओपनिंग मैच था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, ड्यू पड़ी थी, उसके बाद तो ये 20 ओवर्स एक ही तरह की कंडीशंस हैं, रन्स बन रहे हैं। अगर आप 200 के करीब भी रन्स कर देते हैं तो दूसरी टीम जो है चैलेंज करती है और करीब जाती है। देखिए भारत जैसे बॉलर जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी देर बाद ऐसे बॉलर्स आते हैं, तो डेफिनेटली हारिस एक पिलर है दौर कलंदर के लिए और इवन के पाकिस्तान के लिए, जिस तरह उसने पिछले 2-3 साल से परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो इट्स अ बिग लॉस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 4-6 वीक इट कम एंड इट कम बैक वेरी स्ट्रॉन्ग। शकील बाकी भाई लाहौर कलंदर के प्लेयर्स जैसे डेविड विल्सी भी इंजर्ड हो गए हैं, फिर जॉर्ज लिंडी भी एक मैच के लिए अवेलेबल नहीं थी, तो आप समझते हैं कि जो प्लेयर्स की इंजरीज हुई हैं वो लाहौर के लिए अनफॉर्चुनेट थी? डेफिनेटली जब आपके जो मेन प्लेयर्स होते हैं, एक भी प्लेयर आपका कम हो जाए तो आपका कॉम्बिनेशन जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स आती है। जब आपके 2-3 मेन प्लेयर्स अवेलेबल ना हो तो डेफिनेटली आपको फिर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है प्लेयर्स के ऊपर और एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। बाकी भाई ये बताएं कि फैंस से हमारी जब बात हुई तो वो बड़े मायूस हुए हैं और कह रहे हैं कि लाहौर अभी तक कोई मैच नहीं जीता, ये बाकी कोई पुराने वाले फेस में लाहौर की टीम जा रही है जो पिछले 4 सीजन हुई थी स्टार्ट के, तो उनको कोई होप देंगे आप फैंस को कि वो मैच जीते अगले 5 और प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करें? देखिए लाहौर की जो हिस्ट्री है उसमें सारी चीज़ें मुमकिन नामुमकिन से हम सबसे गुजर चुके हैं। 2021 में आपको याद होगा 6 मैच पाकिस्तान में हुए थे और लाहौर ने 6 में से 5 मैच जीते थे, फिर वो कोविड आ गया, यूएई में चली गई और वहाँ सिर्फ हमें एक विक्ट्री चाहिए थी और हम 4 मैच हार गए। इसी तरह अगर हम क्लोज मैचेस हार रहे हैं उसमें एक लाइन की एक बॉल इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, तो अगर 5 हार सकते हैं तो ये टीम 5 जीत क्यों नहीं सकती? भाई पिछले 2 मैचेस देखें, आप अगर आप देखें तो ये थ्रू आउट 60-70 बाउंड्री जो रखी जा रही है उसमें अगर आप राइट लेफ्ट का यूज़ नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। सो आई थिंक कि हमारी कोशिश यही थी कि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनाया जाए ताकि जो बॉलर्स हैं उनके लिए एक तरफ पैक करके एक तरफ बॉलिंग ना शुरू कर दें, तो ये एक आपकी प्लानिंग होती है वो एट टाइम्स आपके हक में चली जाती है एट टाइम्स नहीं जाती। देखिये राशिद को तो मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा रिप्लेस कर सकता है जिस क्लास का वो प्लेयर है। आई थिंक जिस कोई भी टीम दुनिया की उसे मिस करेगी, मैं भी उसे मिस किया, बट जो रिसोर्सेज हमारे पास थे अगर आप उनको कंपेयर करें दूसरी टीमों से तो हमारी बॉलिंग जो फिर भी सबसे अच्छी थी, बट एट टाइम्स आपके जो प्रीमोस मैचेस आपके फेवर में नहीं जाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टीम जो है वो वीक है। जी चिराग चाकू ये बताइए कि मुसलसल हमने ये पहली बार नहीं कि लाहौर ऐसी सिचुएशन में आया, हमने कई बार 8 सीजन में देखा है कि लाहौर ऐसी सिचुएशन में रहा है, लेकिन उसके अंदर ये था कि लाहौर कभी इस तरह से दलदल में जिसमें फंसा हुआ है कभी बाहर नहीं निकल पाया, इस दफ़ा कोई उम्मीद लगा सकते हैं? दूसरा बताइए प्लेयर्स के अंदर उनका मोटिवेशन है कि वो कम बैक कर सकते हैं? देखिए जो आपका पास्ट है उसमें आपके लिए लेसन होते हैं, वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, हमारे पास हर किस्म का लेसन। जिस तरह से इतने सालों बाद बैक टू बैक कोई टीम नहीं जीती तो ये सब प्लेयर्स को पता है कि वो कितने केपेबल हैं और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ऐसा नहीं है कि
दो मिनट में मायूस हो जाए और दो मिनट में एक्साइटेड हो जाए, इट्स अ प्रोसेस, उसको फॉलो करेंगे। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो आइंदा मैचेस हैं, या तो हो ना कि आप चार चार साठ साठ रन से या छः छः विकटों से हार रहे हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन ओवर और वन बॉल, सो आई एम वेरी होपफुल आई विल कम बैक वेरी स्ट्रॉन्ग। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द साइड, आपके भाई फकर दमार को सीनियर प्लेयर हैं, डेफिनेटली फकर जिस क्लास का बैट्समैन है हमारे साथ, उसका ये आठवां सीज़न है, तो आठ साल से हमेशा से फकर ने जब टूर्नामेंट ख़त्म होता है तो वो हाईएस्ट स्कोरर होता है, और फकर एक ऐसा प्लेयर है मैच विनर है, वो करेगा तो मैच फिनिश करके आएगा, तो अभी भी पांच मैचेस हैं और फकर भी उधर ही है, सो आई थिंक बिग इनिंग इज ऑन द कार्ड।